टिल सो फार वी आर डन विद पदार्थ विज्ञान का पेपर। और पुराने एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लो भाई, करते क्या हो दिन भर घर पे बैठे बैठे। इफ यू आर न्यू हियर, नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज प्रत्यक्षा, बीएमएस स्टूडेंट, आईटीआर जामनगर, एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माय फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम डेज। प्रणम च यत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग द आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी दैट इज क्रियाशारी। तो याद है मुझे, पदार्थ का पेपर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास चार एग्जाम्स खत्म हो जाने की थी खुशी, और चार लगातार बैक टू बैक एग्जाम देने का था गम। तो ये जो चंद पल खुशियों के थे एग्जाम के बाद शाम का समय, हमने सोचा रचना शरीर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे तो फिर समय है नहीं इसको पढ़ने का। क्लियरली इसमें हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे जो मैंने पढ़ा है, इसने नहीं पढ़ा है। ये वीडियो हम एक सामाजिक जागरूकता के तहत, जो समाज हमारा जूझ रहा है इस समस्या से, उसके तहत बना रहे हैं। इनका दुखड़ा ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है, पेपर ख़त्म हो गया है, एक MCQ माताजी ने गलत कर दिया है, लेकिन इनका कष्ट ही नहीं ख़त्म हो रहा है। वो शब्द जो इनका गलत हुआ है हर किताब में नज़र आ रहा है। ये आगे के सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। इंडिया wants to know, जो साधारण एवरेज बच्चे हैं वो आपकी इस पीड़ा को कैसे समझ पाएंगे? नहीं, ये तो आप बोलती हैं, साधारण एवरेज बच्चे एक नंबर के लिए कभी ऐसे रोते नहीं है, छाती नहीं पीटते। नहीं, फील होता जब मेहनत करता है ना इंसान, एवरेज स्टूडेंट ही मेहनत करता है क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि नहीं होती है ना, वो थोड़ा सा पढ़ लिया। और तो आपका कहना क्या है, जो टॉपर है वो मेहनत नहीं करता? वो मेहनत करता है, वो मेधावी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होता है, मतलब उसकी हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इस कोर्स में मानती हूँ आप सहमत हैं? हाँ। लेकिन आप मानती हैं कि आप हार्ड वर्क करती हैं तब भी आप टैलेंट को बीट नहीं कर पा रही हैं? देखिए हम दोनों से आगे तो बहुत लोग हैं, हमें इससे दौड़ना नहीं चाहिए। क्या चाहती है तू? अरे मेरे ऑडियंस को दिखाऊंगी नहीं मैं कि अब हम लोग ये पढ़े उसके बाद हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट 7, और यही एक इकलौती छुट्टी है 4 दिन महासंग्राम के पहले। तो आज के दिन वी विल सी हाउ मच वी कैन स्टडी। बेसिकली पूरा दिन कुछ हुआ नहीं, क्रिया शरीर ही पढ़ते रह गए। अब क्रिया शरीर जो सब्जेक्ट है इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है, 100-100 मार्क्स के हैं, तो पूरा थ्योरी 200 मार्क्स का हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पेपर में पूरा मॉडर्न आ रहा है या फिर पूरा आयुर्वेदिक आ रहा है, इसमें मिक्स कर दिया है सिलेबस को। पेपर 1 में कुछ पार्ट आयुर्वेद का है, कुछ पार्ट मॉडर्न का है, सेम विथ पेपर 2 ऑल्सो। जो मुझे अब्सर्ड लगता है, आई पर्सनली फील कि एक पूरा ही पेपर मॉडर्न का कर दो, एक पूरा ही पेपर आयुर्वेद का कर दो। अब पेपर 1 के लिए पढ़ना है तो पहले तुम श्लोक हिंदी और संस्कृत वाले टर्म्स में अपने माइंड सेटअप बनाओ, उसके बाद फिर तुमको मॉडर्न पढ़ना है। तो ये मुझे थोड़ा वो टॉगल करने वाली चीज़ समझ में नहीं आती, बट कुछ तो बहुत अच्छा होगा तभी ये रूल बनाया गया है। मे बी आई एम नॉट दैट मच क्वालिफाइड इनफ कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि एक पेपर में दोनों चीज़ें क्यों डाल दी गई हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स बेटर टू मॉडर्न को अलग पेपर बना दिया जाए और आयुर्वेद को अलग पेपर बना दिया जाए।
अभी पिछली से आना था, हाँ ये बीसी से आना था, तय था ये तो। जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता है क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट करते हैं बैठे ले ले करना शी जस्ट डायग्नोज कि इनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायरोक्सिन की कमी के सारे सिम्टम्स इनकी बॉडी में मिल रहे हैं। कमी के थोड़ी ज्यादा केवल हाइपो होएगा तो कमी के कहाँ ज्यादा के और कमी के हो रहा है ना, नींद आती है ना तुमको बहुत ज्यादा लिमिटेड आती। आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 hours पूरा मॉडर्न फाइनली खत्म हो गया था, सब पढ़ लिया था। अब कितना याद रहता है एग्जाम में आई डोंट नो, बट अब आयुर्वेदा वाला पोर्शन बिल्कुल अनटच था तो वो क्विकली शुरू किया हमने पोस्ट लंच। क्रियाशरी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट आई हैव एवर स्टडीड इन BMS फर्स्ट ईयर। बेसिकली इन द फुटेज ऑल्सो यू कैन सी आई एम नॉट यूजिंग बुक्स क्योंकि आई वॉज सो मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। आई डोंट नो वाई आई हैव स्टडीड क्रियाशरी अ लॉट बहुत स्टार्टिंग से ही, इसलिए सारे नोट्स हैं मेरे पास क्रियाशरी के। एंड PAs में भी मैंने बहुत ही अच्छे से क्रिया को कवर किया था। आई डोंट नो वाई, क्रिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भी नहीं, बट स्टिल आई वॉज मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। हेयर आई एम फर्दर मिनिमाइजिंग माई कॉन्टेंट टू स्टडी, ये कुछ लिखने का मेरा बहुत पुराना बीमारी है। बेसिकली मैंने पूरे सब्जेक्ट को, कम्प्लीट सिलेबस को, आई हैव कंसाइज्ड होल आयुर्वेदा पोर्शन इन 2 or 3 pages एंड आई एम लर्निंग दैट। और सुबह भी कल मैं यही 2-3 pages ही रिवाइज करूँगी। बेसिकली आई एम इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, जो तुरंत तुरंत निकल जा रहे हैं दिमाग से। सो मेक श्योर यू ऑल्सो हैव अ सेपरेट कॉन्टेंट जहाँ पे सारी वो सारी चीज़ें लिखी हों जो बहुत ज़्यादा भूल जा रहा है, बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन श्लोक। अभी हमने सिलेबस जब गो थ्रू किया देन वी रियलाइज दैट आयुर्वेद का पार्ट ज़्यादा है पेपर वन में, 60-40 का रेशियो है, 40% बस मॉडर्न है इसमें। तो 60% अगर आपका आयुर्वेद आ रहा है तो उसमें एटलीस्ट 10 श्लोक तो हों कॉपी में, एटलीस्ट। बहुत सारे मैंने याद कर लिए हैं बट कुछ कुछ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बट आई एम एक्चुअली फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ये पता नहीं वो वाली सुपर पावर नहीं है मेरे पास, आई वॉन्ट दैट वातिक नेचर जो ऐसे याद कर लेता है फिर जाके तुरंत उल्टी कर देता है उसके बाद भूल जाता है। तो पित्त प्रकृति की ये कमी होती है, मेधावी तो होते हैं हम बट आपको याद नहीं होता बहुत जल्दी। हाँ बट वी विल डू इट, हम करेंगे करेंगे, यस वी विल डू इट। मॉडर्न में आई हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है आई हैवेंट टच्ड येट, तो उसको भी रात में करेंगे, वी विल डू दैट, उसके बाद ही सोएंगे। अब तो 4 दिन बैक टू बैक पेपर है, बस मौत का नंगा नाच होगा अब 4 दिन तो। आई एम रेडी विथ माई कॉफ़ी एंड मिल्क, एवरीथिंग इज ऑल सेट इन किचन। रात में कितनी बार कॉफ़ी पीना पड़ जाए यू नेवर नो। हाँ, हैप्पी विजयदशमी एवरीबडी। एलन में क्या मिलता था? गुटका। हाँ ये क्रिया शरीर का गुटका है, एक रात पहले इसको पढ़ा जा सकता है
आराम से, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो गुटका को पढ़िए, पास हो जाइए एग्जाम में। कोई सार कहता था इसको तो मैं कभी ना पढ़ूं। भाई गुटका पढ़ के एक दिन पहले, अब मैंने चितरंजन पढ़ी है तभी एक दिन पहले, अब जो साल भर ये पढ़ा होगा वो एक दिन पहले भी नहीं पढ़ पाएगा इसको। आई वोक अप अराउंड 5 एंड यू नो द ड्रिल, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला। साढ़े आठ बज गया, छोड़ा जाए पढ़ाई? पेपर छोड़ दू? नहीं पेपर मत छोड़िए। कब हमें श्लेष आए शान सुने तुम्हें हृदय स्लत संधिता। स्लत संधिता क्या बताई थी? श्लित संधिता, वो लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स। वेरी गुड, सही था कि नहीं? सो आई थिंक आई एम डन, आई डोंट थिंक आई एम डन, बट ठीक है, हमने जितनी चीज़ें बना के रखी थी, जितना मैटर हमने सजा के रखा था, सब हमने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ्रेम में हमारे सो पेपर वन इज डन। पेपर बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा लेंदी था, पूरे हाथ ऐसे मुड़ गए सबके, सब ऐसे ऐसे करके निकले थे क्लासरूम से बाहर। आई एम चलो सेटिस्फाइड ही बोल देंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा पेपर कर तो लिया, लेकिन ठीक है, थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। अब फाइनली वो जो पीछे चिपका है उसको पढ़ने का, उसको याद करने का टाइम आ गया। पेपर टू का सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज इन कंपैरिजन टू पेपर वन, और पेपर थोड़ा अनभिज्ञ भी ज़्यादा है, तो बस यही दुख है आज का, कुछ ज़्यादा दुख तो है नहीं। पढ़ते हैं अब, बिकॉज वी हैव लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे भी नहीं है ना हम लोग के पास तो। हाँ 12 घंटे भी नहीं है हमारे पास, कितने घंटे हमारे पास, 5 बज रहा है अभी, 5 से 5 12 घंटे, ओ 24 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं हमारे पास। ये बताए एग्जाम के दिन भी ये 6 घंटा सोएंगे, मैं 4 घंटा सोई हूँ कल, 6 घंटा तो सोना जरूरी है, एग्जाम का टाइम 6 घंटा नहीं सोया जाता है। बस इंटेलिजेंट लोग सोते हैं 6 घंटे। हमारे घर का अजगर लौट गया है मेरे जमीन पे। नागिन तू रहती है, जब देखो जब कुछ भी बोल देती मेरे को। देखिए मेडिकल कॉलेज में ऐसे नाग मिलते रहेंगे आपको। तू डसती है भाई, करे तो मेडिकल कॉलेज फुल विथ कोबराज एंड ब्लैक मांबाज एंड एनाकोंडाज, और देखिए उनके कैमोफ्लेज भी है, वो अपनी स्किन छोड़ती नहीं है। पता नहीं कैसे इतनी हंसी आ भी जा रही थी मेरे को। अब तो कोई प्लान नहीं है, बस जो दिखे जहां से दिखे बस उसको पढ़ लेना था।
Then we took a musical coffee break and looked at the pretty sky. देखोगी तो टेढ़ा आएगा, पता है मेरे को कैमरे में ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम हो रहा पहले से। तो अभी हमने पढ़ाई कर ली है, कितनी मैंने 4-5 चीजें पढ़ ली हैं, इनका तो हो गया होगा सर बट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टडी मॉडर्न, ताकि क्योंकि मॉडर्न पढ़ने में मेरे को टाइम नहीं लगता, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ तो पार्ट है जो कवर हो गया है, क्योंकि आयुर्वेद तो नहीं, आयुर्वेद भी अच्छा है, बस लोग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ तो मैं कहाँ बुराई कर रही, वो भी बस मेरे को टाइम लगता है, बाकी लोगों को नहीं टाइम लगता। तुम्हारी बात मैं नहीं कर रही थी, मैं तेज लोगों की बात कर रही तुम क्यों खुद को क्यों तुम मतलब श्लोक वाला प्रॉब्लम तो है, कुछ लोगों के साथ है कुछ लोगों के साथ नहीं है, तो वो तो पर्सनल एस्पेक्ट आ जाता है। कुछ लोगों को मॉडर्न बहुत जल्दी याद होता है, कुछ लोगों को नहीं याद होता है, कुछ लोग रोते गाते पीटते रहते हैं। तो अब जल्दी से मॉडर्न पढ़ लेंगे ताकि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाए। 50% नहीं, 40:60 का रेशियो होता है मॉडर्न और आयुर्वेद में, 40:40, तो 40% सिलेबस तो कर लेंगे हम। 3 घंटे मोस्ट प्रोबेबली लगेंगे, नहीं कम लगेगा, 3 घंटा लगेगा। रिप्रोडक्टिव तो है, अरे हीमोपोएटिक तो बड़ा, हीमोपोएटिक तो बड़ा है, नहीं 3 घंटे नहीं लगना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। लेट्स स्टडी मॉडर्न नाउ। अचानक से इसको ना शायद मेरे ख्याल से बीपी ही लो हुआ था इसका, शायद एंजाइटी इसको ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। इसको आता है सब कुछ, इसलिए इसको थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं सब कर लूंगा। अच्छा, उसकी वजह से आ रहा मेरे को। तो किस वजह से आ रहा आप बताओ हमारे, ये जो फालतू वाले दर्शक बैठा है ये पीछे की साइड, उसको बता दो, बताओ पढ़ोगी कि नहीं? जा रहे ना पढ़ने। क्या पढ़ोगी? हीमोपोएटिक पढ़ लोगी। उपधातु मल कौन पढ़ेगा? वो अब उठ के फिर 5 बजे। ओके, देखते हैं, पूरा मॉडर्न कर देंगे अभी और फिर 5 बजे। फिर से उठ गए वही 4-5 बजे। ये भी क्या खराब जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है?
चलोगे? चलूंगा। एडमिट कार्ड रख लिए? कापी कलम? कलम रख लिए? और कलम? एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। तो चलो। सकेल, सकेल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पट्ठा बोलते हैं। चलो जल्दी, रवण नहीं बोलते, मिटकौना बोलते हैं। ये मेरे को पापा याद है, मेरे पापा ऐसे बोर्ड में बोलते थे, प्रवेश पत्र ले लिए, कलम ले लिए। यस, लेट्स गो। आई एम फाइनली बैक मेरा एग्जाम देके। बहुत ही अजीब सा पेपर था, मतलब काफ़ी अनप्रडिक्टेबल टाइप का पेपर था मुझे ऐसा लगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत कम चीज़ें मैच हो रही थी, और वो सारे मतलब ऑलमोस्ट वो बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो ऐसे इंसान स्किप कर देते हैं कि हाँ ये तो नहीं पूछ सकते। मतलब पूरा हीमोपोएटिक सिस्टम में सब छोड़ के, आरबीसी सिंथेसिस छोड़ के, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन छोड़ के, सब छोड़ के पूछना है तुमको डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। लिटरली मतलब ठीक है, लेकिन लिख दिया क्योंकि नीट की तैयारी किए हैं, तो नीट की प्रिपरेशन ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो छोड़ा तो नहीं है कुछ भी, सब कुछ लिख के आ गई हूँ मैं। बट लेंथी भी था पेपर बहुत ज़्यादा, बट आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड एंड वेरी मच हैप्पी। लेकिन ठीक है, अनप्रडिक्टेबिलिटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डिमांड करता है, तो यू कैन नॉट ऑलवेज स्कोर एंड मचाओ द पेपर, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब कल पेपर है रचना शरीर का, जो बहुत ही डिप्रेसिंग एपिसोड्स अब आज होंगे मेरे साथ, बाकी सब लोगों के साथ भी। हाँ, सो लेट जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, क्योंकि रचना शरीर का सिलेबस समंदर जैसा है और हमारी बुद्धि है ग्लास भर की, तो उस ग्लास भर की बुद्धि में पूरा समंदर भरना है विद इन लेस देन 24 आवर्स। यस, सो विश मी लक।